एक खबर आ रही है इस वक्त जयपुर से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री की कार हुई हादसे का शिकार। वसुंधरा राजे की कार का एक्सीडेंट हुआ है। विद्याधर नगर क्षेत्र में हादसा हुआ है। कार में फ्रंट सीट पर वसुंधरा राजे बैठी हुई थी। बियाणी कॉलेज के पास दूसरी कार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, ये राहत की बात है। वहीं कार चला रही युवती ने वसुंधरा राजे को सॉरी भी कहा, उसने माफी मांगी और उसके बाद वसुंधरा राजे की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस को मामले की जो शिकायत है वो नहीं दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कार हादसा उनकी कार के साथ हुआ है। आपको बता दें वसुंधरा राजे उस वक्त कार में खुद बैठी हुई थी, फ्रंट सीट पर वो बैठी हुई थी। वसुंधरा राजे की कार के साथ एक्सीडेंट हुआ। विद्याधर नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये हादसा पेश आया है। आपको बता दें कि बियाणी कॉलेज के पास दूसरी कार ने वसुंधरा राजे की कार को टक्कर मार दी। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। एक युवती कार को चला रही थी जिसने वसुंधरा राजे की कार को टक्कर मार दी। हालांकि बाद में इस युवती ने वसुंधरा राजे से माफी मांगी, उन्हें सॉरी कहा। वहीं वसुंधरा राजे ने भी इस पूरे मामले में किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की है और पुलिस को भी इस मामले में कोई शिकायत नहीं दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि वो फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी, उन्हें किसी भी तरीके की जो है चोट नहीं आई है, कोई इस हादसे में घायल नहीं हुआ। शरद जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के साथ। शरद, क्या हुआ एग्जैक्टली? देखिए, विद्याधर नगर इलाके का पूरा मामला है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बियाणी कॉलेज की तरफ से आ रही थी, जैसे ही वो कट पर उनकी कार घूमने लगी थी, इसी दौरान से एक अन्य युवती थी जो कार लेकर आ रही थी और उस दौरान कार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कार से टकरा गई। उसके बाद में जो युवती कार चला रही थी वो नीचे अपने कार से उतरी और पूर्व सीएम से आकर के बातचीत करने लगी। उन्होंने सॉरी कहा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को और कहा कि गलती से इस तरह का पूरा ये हादसा हुआ है। और उसके बाद में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी वहां पर संवेदनशीलता दिखाई। उसने जो युवती ने सॉरी कहा था उसको एक्सेप्ट भी किया और किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने की वहां पर बात कही। उसके बाद विद्याधर नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पूर्व सीएम की ओर से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की गई पुलिस को, किसी भी तरह से लिखित में कोई बात नहीं कही गई दुर्घटना को लेकर के। और उसके बाद में फिर पूर्व सीएम वहां से मौके से चली गई थी। किसी भी तरह से चोट यहां पर इस हादसे में नहीं आई है किसी को। ये दुर्घटना वहां पर दो कारों के टकराने से हुई थी और उसके बाद में फिर अब विद्याधर नगर पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, जो कि मौके पर फिलहाल जांच कर रही है। हालांकि किसी भी तरह की लिखित शिकायत पुलिस के पास में नहीं है। अब शरद, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने इस घटना को लेकर कुछ बताया है जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ और खुद पूर्व मुख्यमंत्री से जब बात करने के लिए वो युवती पहुंची और उसने माफी जो है इस पर मांगी, तो क्या रिएक्शन उन्होंने दिया? देखिए, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद में जो युवती थी वो खुद ही उतरकर सीएम की कार के पास में पहुंच गई थी। उनसे कुछ मिनटों तक बातचीत भी की, उसने अपनी गलती वहां पर मानी थी। बिल्कुल, कहा था कि गलती से वो गलत दिशा में जाने की कोशिश, जाहिर उसने माफी मांगी, तो इस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने जो है वो संवेदनशीलता दिखाई और किसी भी तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं की गई। बहुत शुक्रिया शरद हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की विद्याधर नगर क्षेत्र में, जहां पर हादसा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जो कार है वो हादसे का शिकार हुई है, जहां पर एक दूसरी कार ने वसुंधरा राजे की कार को टक्कर मार दी। उस वक्त खुद मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है वो उस वक्त कार में बैठी हुई थी फ्रंट सीट पर। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी तरीके की चोट जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को नहीं आई है। हालांकि जो कार एक युवती चला रही थी उसने खुद आकर पूर्व मुख्यमंत्री से माफी मांगी और साथ ही संवेदनशीलता यहां पर वसुंधरा राजे की तरफ से दिखाई गई और किसी भी तरह की कार्रवाई इस पूरे प्रकरण को लेकर नहीं की गई है। मौके पर पुलिस भी पहुंची है लेकिन कोई शिकायत जो है इस मामले पर नहीं दी गई है। राहत की बात यह है कि कोई भी इस हादसे में घायल नहीं हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त जयपुर से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जो कार है
वह हादसे का शिकार हुई। दूसरी कार ने इसे टक्कर मार दी। इस कार को एक युवती चला रही थी और जिस दौरान यह हादसा हुआ पूर्व मुख्यमंत्री फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। वसुंधरा राजे उस वक्त कार में मौजूद थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है, दुर्घटना नहीं हुई है। हालांकि अपनी गलती को स्वीकार किया यहां पर युवती ने जो दूसरी कार को चला रही थी, जिसने वसुंधरा राजे की कार को टक्कर मारी, उसने खुद आकर माफी मांगी, सॉरी कहा वसुंधरा राजे को। और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने भी यहां पर संवेदनशीलता दिखाई और किसी तरह की कार्रवाई यहां पर नहीं की गई है। और तस्वीरें जो घटनास्थल से सामने आई हैं वो इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री की कार को टक्कर एक युवती ने अपनी कार से मार दी। हालांकि कोई शिकायत जो है पुलिस को नहीं दी गई है और ये वही कार है जो हादसे का शिकार हुई और जिस दौरान यह हादसा हुआ खुद वसुंधरा राजे कार में मौजूद थी, फ्रंट सीट पर वो बैठी हुई थी। लेकिन राहत की बात यही कि किसी भी तरीके की चोट उन्हें नहीं आई है। साथ ही महिला ने भी माफी मांगी खुद पूर्व मुख्यमंत्री के पास जाकर और उन्होंने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की, कोई शिकायत जो है वो पुलिस को नहीं दी गई। हालांकि इस हादसे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची लेकिन किसी तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो चलिए फिलहाल